हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजाइल लॉ। आज हम बात करेंगे कि साइबर लॉयर क्या होता है। इससे पहले आइए जान लेते हैं कि साइबर लॉ क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस डिजिटल युग में इंटरनेट और फ़ोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि आज इंटरनेट ने इंसानी जीवन को हर जगह से घेर रखा है। इंटरनेट के सुविधा के कारण सभी चीज़ें तेज़ी से डिजिटल होती जा रही हैं, जिससे लोगों का जीवन आसान होता जा रहा है। लेकिन डिजिटल होती इस दुनिया का गलत उपयोग भी किया जा रहा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इंटरनेट का दुरुपयोग कर लोगों के साथ धोखाधड़ी, लोगों के निजी डाटा की चोरी और लोगों को भटकाने जैसे संगीन अपराध को अंजाम दे रहे हैं, जिसे साइबर क्राइम कहते हैं। और इस साइबर क्राइम से बचने के लिए लोगों को साइबर लॉयर की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अगर आप टेक्नोलॉजी को पसंद करते हैं और कानून और टेक दोनों को अपने करियर में शामिल करना चाहते हैं, तो साइबर लॉयर के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। लोगों के अलावा निजी से लेकर सरकारी कंपनियां साइबर क्राइम के खतरों से बचने के लिए साइबर लॉयर की सहायता लेते हैं। इनका काम किसी व्यक्ति, कंपनी या सरकार के साथ होने वाले साइबर क्राइम के मामलों को सुलझाना है। साइबर क्राइम का सबसे बड़ा कारण नियम और नीतियों में कमी है। साइबर अपराधी हैकिंग, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, ई कॉमर्स, नेट बैंकिंग आदि से जुड़े साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं, जिससे निपटने का काम साइबर लॉयर का होता है। साइबर लॉ का कोर्स करने के बाद आप कंसल्टेंट साइबर लॉयर के रूप में किसी कंपनी, फर्म या इंडिपेंडेंट रूप से भी अपना करियर बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।